झारखंड में जो रहने वाले चीक बड़ाई समाज है, मूलतः छोटा नागपुर के रहने वाले हैं, जो पुराना रांची जिला हुआ करता था। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, यही है। अभी रामगढ़ जिला के सांकी में हमारा कुछ समाज के लोग हैं। बाकी आपका पश्चिम सिंहभूम में है तो यहीं से जाके बसे हैं, लेकिन ये मूलतः छोटा नागपुर के हमारे चीक बड़ाई समाज है, जो झारखंड के एक कारीगर जनजाति है। जिस समय सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, जिस समय जनजाति समाज नंग धड़ंग रहता था, उस समय यही हमारा चीक बड़ाई समाज, जो आज लाल पाड़ साड़ी आप जो देखते हैं, इसका जनक कहा जाए, अगर वस्त्र का जनक कहा जाए आदिवासी समाज में आदिकाल से, तो चीक बड़ाई समाज है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि आज विगत कुछ वर्षों से आज हमारे समाज के नौजवान छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसका वजह सिर्फ एक ही है कि जब खतियान बन रहा था, उस समय हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उतना समझदार नहीं थे, या जो फिर सर्वे करने आए थे उनकी ना समझदारी रही होगी कि जहाँ पर सीधे खतियान में चीक बड़ाई लिखना चाहिए, वहाँ चीक बड़ाई ना लिख करके एक ही परिवार में, अगर दादाजी हैं, उनका चार बेटा है, तो एक बेटा में चीक लिख दिया कौम चीक, और एक में कौम बड़ाई, और एक में कौम चीक बड़ाई लिख दिया। मतलब एक आदमी को तीन जात में विभक्त कर दिया, जिसका नतीजा है कि आज जब जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो सरकार के अधिसूचना में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनके खतियान में चीक बड़ाई लिखा हुआ है उनको अनुसूचित जनजाति की सुविधा अनुमान्य है, लेकिन जिनके खतियान में कौम चीक लिखा हुआ है उनके संबंध में उनके रीति रिवाज, खान पान, लोकाचार, संस्कृति को आधार बना करके देगा। तो बताइए कि हम अपना पहचान बताते रहें? तो झारखंड में 32 जनजाति है, लेकिन उराव मुंडा हो, खड़िया, संथाल की बात तो की जाती है, लेकिन जो 32 जनजाति में जो जिनकी संख्या थोड़ी कम है, सरकार को हम एक आग्रह करते हैं कि हमारे तरफ ध्यान दें। हम लोग एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, और आदिवासी हमारा मुख्यमंत्री है, और आज सरकार में जो दल हैं वो आश्वासन भी दिए थे। हमारे मंत्री आलमगीर आलम ये आश्वासन दिए हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो महागठबंधन के अंग है, बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की, ये लोग विधानसभा में भी आवाज़ उठाए हैं, लेकिन ये आईवास न रहे, सिर्फ जनता को दीर्घमर्मित करने के लिए हमारे बड़ाई समाज को झुनझुना दिखाने का काम न किया जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए, और गवर्नमेंट एक अधिसूचना जारी करे कि जिनके खतियान में कौम चीक या चीक बड़ाई है, ये मूलतः चीक बड़ाई अनुसूचित जनजाति के हैं, और इनका जाति प्रमाण पत्र हर ब्लॉक में बनना चाहिए। देखिए, जनजाति समाज का ये सिर्फ झारखंड का विषय नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश भर का विषय है कि जनजाति समाज कहीं ना कहीं अशिक्षित रहे हैं। तो जब कभी सर्वे का बात आती है तो सर्वे में कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव के कारण में, वो नामकरण में, वो चाहे आम बोलचाल की भाषा हो या संवैधानिक जो शब्द का उपयोग किया गया, कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास देखने को मिलता है। जैसे अभी बताया कि कहीं बड़ाई अंकित हो गया है, कहीं चीक अंकित हो गया, कहीं चीक बड़ाई अंकित हो गया, और कुल मिला के कहा जाए ये सब तीनों कहीं ना कहीं एक समाज के अंग है। तो ये एक मानवीय भूल कहा जा सकता है, लिपिकीय त्रुटि कहा जा सकता है। तो इसको सरकार को चिंता करनी चाहिए कि कैसे समाज को, आदिवासी समाज को अपना आरक्षण का जो लाभ है वो बिना जनजाति प्रमाण पत्र का मिलेगा नहीं, और जनजाति प्रमाण पत्र तब मिलेगा जब आपके अनुसूचित जो लिस्ट है उसमें जनजाति के सूची में हम लोग जो छूटे हुए लोग हैं, जो त्रुटि के कारण में, लिपि की त्रुटि के कारण में, तो उनको जब तक सरकार सुधारेगी नहीं तब तक जिसको सुविधा मिलना चाहिए आरक्षण का, वो सुविधा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग आज माननीय बाबूलाल मांडी जी से मिलकर, चूँकि विपक्ष के नेता भी है और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े नेता भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो हम लोगों ने अपनी भावनाओं से, समाज की भावनाओं से उनको अवगत कराया है कि वो भी विधानसभा या अपने उचित स्तर पर इस समाज की बातों को गंभीरतापूर्वक विचार करें। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in